तो गाइस वो देखो चांद, क्या हम लोग चांद तक पहुंच सकते हैं? गाइस शायद से मेरा इलाइट्रा टूट गया। गाइस शायद से हम लोग चांद पे नहीं पहुंच सकते, तो क्या वो नकली चांद है? इसीलिए आज हम लोग बिल्ड करेंगे एक चांद इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। भले हम चांद तक नहीं पहुंच पाए, बट हमारा भारत चांद तक जरूर पहुंच चुका है। इसलिए हम लोग अपने चांद पे मून लैंडर को भी बिल्ड करेंगे। थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने अपने वर्ल्ड में चंद्रयान 3 का LVM3 रॉकेट बिल्ड किया था। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये कब जाकर चांद तक पहुंचेगा। इसको चांद तक पहुंचने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं खुद का एक मून बनाऊंगा। इसके ऊपर हम लोग अपने चंद्रयान 3 के मून लैंडर को लैंड भी करवाएंगे और अपने प्रज्ञान रोवर को साउथ पोल की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए भी भेज देंगे। ये सब मैं कैसे करता हूँ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम की मेहनत लगी है, लेकिन तुम लोग को इस वीडियो को लाइक करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, धन्यवाद। अब मैं जो मून बिल्ड करने वाला हूँ उसका डायमीटर होने वाला है 206 ब्लॉक, जो कि रियल मून से 16,868 टाइम्स छोटा है। ये इतना छोटा इसीलिए है क्योंकि रियल मून बहुत ज्यादा बड़ा है। माइनक्राफ्ट में हम लोग इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। रॉकेट वाली वीडियो से तुम लोग को पता चल चुका होगा कि मैं सर्कल बनाने में अच्छा हूँ, लेकिन शायद से तुम लोग को नहीं पता होगा कि मैं स्पीयर्स बनाने में भी जीनियस हूँ। अगर तुम लोग बहुत सारे सर्कल्स को एक के ऊपर एक डिफरेंट साइजेस में रखोगे तो वो एक स्पीयर बन जाता है। तो इसी तरह मैंने अपने 10,000 IQ वाले दिमाग को यूज करके 2-3 दिन स्पेंड करके एक बड़ा सा स्पीयर बनाया। ये थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा था। इसको पहले मैंने अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में डिजाइन किया और इसका एक स्कीमेटिक बना दिया, क्योंकि अगर मैं सेम चीज को डायरेक्टली हार्डकोर में करता तो ये सेम चीज को बिल्ड करने के लिए मुझे 2 से 3 महीने लग जाते। एंड तुम लोगों को पता होगा कि मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट यूट्यूबर हूं, इसलिए इतना बड़ा ब्रेक तो मैं नहीं लेना चाहता था। इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे जाके थोड़े से बटाटे प्लांट करते हैं, क्योंकि मेरे हर वीडियो में जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उसके 10% पोटैटोस को मैं अगली वीडियो में प्लांट करता हूँ। लास्ट वीडियो में मेरे सिर्फ 3.5 के सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 350 बटाटे लगाने पड़ेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसे ही अपना पूरा वर्ल्ड बटाटों से भर जाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हमें जल्दी से जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं, तो प्लीज मेरी जिंदगी की बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मेनली हम लोग अपने चांद को बिल्ड करने वाले हैं कॉन्क्रीट से। कॉन्क्रीट को कलेक्ट करना थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि मेरे पास एक कॉन्क्रीट ड्यूपर है। यहाँ पर कॉन्क्रीट ड्यूप करने को स्टार्ट करने से पहले शायद से मुझे इन स्टोरेज सिस्टम को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टोरेज है ये फुल हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको नीचे तक लेके चलूं, क्योंकि चांद को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये रहे थोड़े से चेस्ट और हॉपर। यहाँ पर मैं सीधा नीचे जा सकता हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। गाइस हम लोग इस वाले लेवल तक आ चुके हैं, इससे नीचे जाने को मुझे डर लग रहा है, तो या बस यहाँ तक लगाएंगे। अब इस तरफ इसको लगाते हुए चलते हैं ऐसे, फिर इसको डबल चेस्ट बनाते हुए चलते हैं, और लगे हो तो हॉपर भी लगा देंगे यहाँ पर। तो गाइस अनलिमिटेड चेस्ट लग चुका है, अभी स्टोरेज की तो कमी नहीं होगी। नहीं शायद से इस साइड में भी डालना बाकी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ये फार्म रास्ते में आ रहा है, तो शायद से मुझे यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना कंटिन्यू करना पड़ेगा। शायद से कोई मिस्टेक हुआ है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी चेस्ट लगा दिए एंड देख सकते हो बहुत सारे चेस्ट बन चुके हैं, तो स्टोरेज की तो कभी कमी होने वाली नहीं है। अब हम लोग जाके AFK करने के लिए रेडी हो सकते हैं। पहले जो भी हम लोगों को कंक्रीट चाहिए उसको ले लेते हैं, थोड़ा सा व्हाइट कलर का, थोड़ा सा ग्रे कलर का और थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर का। बाकी कोई कलर मुझे नहीं लगता कि चाहिए होगा, नहीं बाकी कोई नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जाके हम लोग थोड़े से इसको तोड़ते हैं। इवन तो अपना चांद डार्क ग्रे कलर का है, बट मेनली मैं इसमें व्हाइट कलर यूज करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग को चांद व्हाइट कलर ही दिखता है। उसमें गड्ढे वगैरह बनाने के लिए ये डार्क कलर यूज कर देंगे। यहाँ पर ग्रे डालता हूँ, इन दो साइड में मैं सिर्फ व्हाइट डालूंगा। मशीन को ऑन करने से पहले अपने चंक लोडर को ऑन करते हैं। अब अपना सैंड ड्यूपर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंक्रीट आता रहेगा, हम लोग जाके AFK करते हैं। तो यहाँ पर एक सेफ एरिया है, इसके अंदर एंडरमैन नहीं आते। AFK करते हैं पता नहीं कितने घंटों तक, अभी मैं जाके सोने वाला हूँ। तो आप तो गाइस यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक AFK कर दिया है, पर एक्चुअली जाके देखा तो ये सारे चेस्ट भर चुके हैं। यस लिटरली वहां तक सारे चेस्ट भर चुके हैं। इस साइड का चेस्ट ज्यादा भरा नहीं है, बट कोई बात नहीं, यही बहुत है। लेकिन बात यह है कि ये सारे कंक्रीट पाउडर है, कंक्रीट नहीं है, तो इसीलिए मुझे अभी कंक्रीट बनाना पड़ेगा। व्हाइट कलर की कंक्रीट तो मेरे पास बहुत है, तो पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जाके थोड़े से व्हाइट कलर के कंक्रीट को ऐसे फेंक दूंगा। एक्चुअली कंक्रीट पाउडर टू कंक्रीट कन्वर्टर है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, इसीलिए मैं नीचे फेंक रहा हूँ। ये धीरे धीरे से इन्वेंटरी में आता रहेगा। तो अभी हम लोग जाके अपने पास जितने भी कंक्रीट पाउडर है उनको कंक्रीट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने कंक्रीट कन्वर्टर फार्म में। तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे इसके अंदर सैंड चला गया और ये टूट गया। अब मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा, जो कि कैसे करूंगा मुझे नहीं पता। आई होप कि यहाँ का TNT फूटा ना हो। यस शायद से TNT भी टूट चुका है, इसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। भैंस की इस मशीन को बंद करो। ओके ये मशीन भी टूट गया, भाई दिन ही ठीक नहीं है मेरा। तो गाइस शायद से फिक्स हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले जाके कुछ एक काम करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ से सारे सैंड को निकाल दो, और ग्रेवल भी है इसको भी निकालना पड़ेगा। शायद से सारे सैंड और ग्रेवल निकल चुके हैं। अब दोबारा से स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि शायद से मुझे इस वाले चेस्ट को एक्सटेंड करना चाहिए,
क्योंकि बात यह है कि ये काफी नहीं है, ये लाइक थोड़ी देर में भर जाएगा। तो शायद से मुझे इसको दोबारा से नीचे की तरफ ऐसे करके एक्सटेंड करते हुए जाना चाहिए। तो जिनको नहीं पता, तो ये चेस्ट जो है ये व्हाइट कलर के कॉन्क्रीट को कलेक्ट करता है जो कि टूट कर वहाँ पे नीचे गिरता है, वो उस झरने से ऊपर आता है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। मुझे टोटली 100,000 से भी ज्यादा कॉन्क्रीट की जरूरत पड़ने वाली है, तो ये चेस्ट शायद से काफी नहीं होंगे। काफी चेस्ट है मेरे पास, चलते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके चेस्ट को डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर मैंने कॉन्क्रीट ऊपर में दोबारा से कॉन्क्रीट भर दिया है। अब देखना है कि ये दोबारा से काम करता है कि नहीं। काश ये काम करे प्लीज। ओके, टूट गया भाई दोबारा। नहीं गाइस, फाइनली ये फार्म 1,000,000 टाइम फिक्स हो चुका है। अब दोबारा ये टूट ना जाए भाई, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। प्लीज काम करो। ओके, काम कर रहा है शायद। यस गाइस, काम कर रहा है भाई। तो अभी गाइस मैं इस फार्म की एक प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे कॉन्क्रीट मेरे पास आ तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जब चेस्ट सारे खत्म हो जाएंगे तो कॉन्क्रीट आना भी बंद हो जाएगा। बट एक्चुअली यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्क्रीट बच जाते हैं जो नीचे नहीं आ पाती। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कैसे भी करके यहाँ पे ये जो एरिया है इसको वाटर के हेल्प से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इस वाले एरिया से, तो जो भी कंक्रीट बनेगा वो सीधा यहाँ पर आएगा, जो भी कंक्रीट ड्यूप होगा वो सीधा यहाँ पर आएगा, एंड कभी मेरे हाथ से कंक्रीट खत्म नहीं होगा जैसे यहाँ पर इस चेस्ट के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे शायद से ये जो एरिया है इसी एरिया से एक वाटर वे आना चाहिए इस तरफ, जहाँ से सारे कंक्रीट जो है वो मेरे ऊपर आके गिर जाएंगे, जिसको मैं जल्दी जल्दी प्लेस करूंगा। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये सिस्टम काम करने वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। तो या मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर मैं एक वाटर वे लगाना स्टार्ट कर दूं, इसके पहले वॉल्स बनाऊंगा। इस यहाँ पर एक नाली बना दिया, ये काम करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पे पानी डाल के देखते हैं। खैर मैं बता रहा था कि अगर मैं यहाँ पर एक वाटर सोर्स डाल दूंगा तो जो भी कंक्रीट नीचे गिरेगा वो यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचेगा। ये रुक कैसे गया यहाँ पर? खैर आई थिंक ऐसे नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। ओके ओके, ऐसे यस यस। अबे यार ये मशीन टूट गया भाई, मेरे दिमाग को हुआ क्या है? काम ही नहीं करता भाई कभी कभार। मशीन तोड़ दिया फोकट में। आई थिंक यहाँ पर एक फेंस गेट लगा दूंगा तो काम चल जाएगा। ओके यहाँ पर अब मटेरियल्स नीचे गिरेंगे बट पानी नीचे नहीं गिरेगा। लकीली ज्यादा कुछ टूटा नहीं है शायद। मेरा टीएनटी ड्यूपर वगैरह ठीक है भाई। तो टूटा क्या? ऐसा लगा कि कुछ टूटा। ओके एक रेडस्टोन टूटा बस, जो कि ओके ठीक हो गया। वेट, मेरा माइंड एक और चीज बोल रहा है कि शायद से मुझे यहाँ तक भी ग्लास लगा देना चाहिए ताकि मटेरियल सारे सीधा मेरे ऊपर ही आए, कहीं और ना जाए। ओके गाइस अभी है टेस्ट करने का टाइम, काम करेगा कि नहीं नहीं पता। वाटर स्ट्रीम तो जा रहा है यहाँ तक परफेक्टली। ये डाला यहाँ पर मैंने थोड़े कॉन्क्रीट जो की भाई हॉपर के अंदर चला गया। वेट, उसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल। यहाँ पे बंद कर दो बस। अब हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ऐसे कॉन्क्रीट जो की कहाँ पर जाएगा देखते हैं। भाई यहाँ पे आके रुक जाता है, क्या करूं? शायद से वहां पर भी एक फेंस गेट काम करेगा, शायद से काम करेगा। यस जा तो रहा है भाई। वेट, शायद से मेरे पास एक और आइडिया है इसके लिए। अगर ये एक ब्लॉक नीचे होगा तो डेफिनेटली जाएगा, अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जाएगा कि नहीं। तो अभी हम लोग जाके अपने कंक्रीट ड्यूपर को स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए मुझे थोड़े कंक्रीट ले जाना पड़ेगा, तो लाइट ग्रे कलर के, व्हाइट कलर के और ग्रे कलर के। यहाँ पर ग्रे कलर का तो है, लाइट ग्रे कलर का ज्यादा नहीं है। अब व्हाइट कलर का डाल दो, व्हाइट कलर के थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि ऑब्वियसली मून व्हाइट कलर का ही है। या फिर शायद से पूरा व्हाइट कलर ही बनाएंगे भाई, क्योंकि मैं मेनली व्हाइट कलर से ही बनाने वाला हूँ इस मून को। तो चंक लोडर ऑन करो और इस मशीन को ऑन कर दो। और अभी चलते हैं एंड में। ये देखो यहाँ पर कंक्रीट, यस यस जा रहा है भाई, भाई साहब। ये देखो गाइस यहाँ पर सीधा मेरे ऊपर आके गिरे गए। एग्जैक्टली यही चाहिए था मुझे भाई, मेरा दिमाग कितना बड़ा है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब देखो कि नेक्स्ट में क्या करूंगा। नेक्स्ट में यहाँ पे जाके AFK करने वाला हूँ बहुत ज्यादा टाइम तक। ये देखो गाइस कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, लाइक बहुत ज्यादा। अब मैं तब तक AFK करूंगा जब तक ये चेस्ट यहाँ तक भर ना जाए। मुझे टोटली 100,000 से भी ज्यादा व्हाइट कलर के कंक्रीट चाहिए, तो या मुझे ज्यादा टाइम तक AFK तो करना ही पड़ेगा। मिलते हैं बहुत ज्यादा टाइम बाद। तो गाइस यहाँ पे मैंने 8 से 10 घंटों तक AFK किया है। यस इतने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी बोर हो रहा था मुझे। अब देखते हैं कि कितना कलेक्ट हुआ होगा। मैं बेट लगाता हूँ कि यहाँ तक तो डेफिनेटली पहुंचा होगा, देखते हैं। यस यस भाई, मुझे पता था, ये देखो यहाँ तक पहुँचा है। मगर तुम लोग बेवकूफ मत होना क्योंकि ये सिर्फ ये दो चेस्ट में यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ पर डेफिनेटली नीचे होगा, मैंने बताया था तुम लोगों को। क्योंकि वो यहाँ से लेकर ऐसे करके भरता हुआ जाता है, तो इसीलिए इस साइड में ज्यादा होगा, फिर यहाँ पे कम होता जाएगा। मुझे बस 100,000 चाहिए, तो ये 100,000 से ज्यादा तो डेफिनेटली है, शायद से ये 1,000,000 भी होगा। खैर वो सब छोड़ो, अभी मुझे शायद से इस मशीन को बंद करना पड़ेगा वरना ये भाई पूरे गेम को खत्म कर देगा। एंड भाई ये अच्छे से काम किया, मुझे अच्छा लगा ये, लाइक अपनी इन्वेंटरी में कभी भी खत्म नहीं हो रहा था। अच्छा अब हम लोग जाके इस मशीन को बंद कर देते हैं, सो जाओ। ओके चलते हैं एंड में। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इसको कहाँ पे बिल्ड करूंगा। मैं इसको डेफिनेटली ओवरवर्ल्ड में तो बिल्ड नहीं करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली ओवरवर्ल्ड में मून बहुत ज्यादा छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा। क्योंकि गाइस ओवरवर्ल्ड जो होता है वो अर्थ की तरह होता है, तो अगर मैं ओवरवर्ल्ड में मून बनाऊंगा तो वो अर्थ में बनाने के समान होगा। तुम लोग बस इमेजिन करो कि अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा मून रखा हुआ है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग इसको बिल्ड करने वाले हैं एंड में, क्योंकि एंड स्पेस की तरह है, देख सकते हो आउटर स्पेस की तरह है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। इससे मुझे बिल्ड करने को भी आसानी
होगा और ये एक्चुअल मून भी स्पेस में ही होता है, तो यह सेंस बनाएगा थोड़ा। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इस एंड आइलैंड को उड़ाकर इसके ऊपर मून बनाऊंगा, बट बिल्कुल भी नहीं, मुझे इसमें ज्यादा सेंस लगता ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस है तो मैं इस एंड आइलैंड को क्यों उड़ाऊंगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को देखा है मैंने कि इस वाले एंड आइलैंड को उड़ा देते हैं, बट भाई मुझे वो ज्यादा सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ये देखो इतना बड़ा स्पेस है भाई, यहाँ पर कितना चाहे उतना बिल्ड करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। डर लग रहा है गाइस, यहाँ पर मुझे नीचे गिर गया तो। अब डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे बिल्ड करूँ। एक सेकंड, हम लोग एक बार अपने गेटवे के थ्रू जाके आते हैं, थोड़ा सा इधर एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते हैं कि कौन सा जगह ठीक है इसको बिल्ड करने के लिए। ओके, मेरे पास आइडिया आ चुका है, मुझे क्या करना चाहिए पता चला मुझे। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे थोड़े से कॉन्क्रीट लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बिल्ड करना है, नहीं बिल्ड नहीं करना, मुझे बस एक चीज बनानी है। तो गाइस मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जो आइलैंड है, ये वाला आइलैंड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ी सी दूर तक कॉन्क्रीट लगाते हुए चलते हैं, जहाँ तक होगा जितना हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई ये बिल्ड हाइट लिमिट से नीचे ही होना चाहिए। मेरा आइडिया ये है कि मैं स्ट्रेट लाइन में जाने वाला हूँ। तुम लोग सोचोगे कहाँ तक? जहाँ तक ये एंड आइलैंड दिखने वाला नहीं है, वहाँ तक। एंड एक्चुअली मेरे पास एक मॉड है जिससे लाइक हम लोग गॉड ब्रिजिंग कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे लगाते हुए जाऊंगा तो ओके यस गॉड ब्रिजिंग कर सकता हूँ मैं, बट भाई ये बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन भाई मजा तो आ रहा है। नहीं गाइस गॉड ब्रिजिंग वगैरह नहीं करेंगे, वो चीटिंग लगेगा। तो मेरा जो रेंडर डिस्टेंस है वो सिर्फ 20 चंक्स है, तो अगर मैं बहुत ज्यादा दूर चला जाऊंगा जब तक ये एंड आइलैंड दिखते नहीं है, तो तब तक चलते हैं। गाइस पता नहीं मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है, एक इनफाइनाइट स्पेस में आ चुका हूँ। डर लग रहा है मुझे, मुझे यहाँ से कौन बचाएगा, यहाँ से कौन बाहर निकालेगा। मजाक कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे एक लाइन है, इसके हेल्प से मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। देख सकते हो एंड आइलैंड या दूर तो है जितना चाहिए, मतलब दिखाई नहीं देगा इस वाले पॉइंट से। तो हम लोग अपने मून को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे यस बना सकते हैं। देखते हैं कि इसका वाई लेवल कितना है। ओके, इसका वाई लेवल ज्यादा नहीं है, 37 है, तो शायद से मैं थोड़ा सा नीचे जा सकता हूँ, 30 तक जाएंगे। ये रहा लेवल 30। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ एक सर्कल बिल्ड कर देंगे, जो कि मैंने स्कीमेटिक्स बना के रखा है। तो गाइस टोटली 1 लाख से भी ज्यादा कंक्रीट को रखने के लिए एक स्पेस तो चाहिए होगा, शल्कर बॉक्सेस को रखने के लिए भी। तो यहाँ पे शायद से मैं एक प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये एंडरमैन बहुत सारे हैं, ये इसके ऊपर आ जाएंगे, लेकिन इसका मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं मून बिल्ड करूंगा तो उसके ऊपर भी एंडरमैन तो आएंगे ही। जाने दो, टॉर्च वगैरह लगा देंगे बाद में। तो बस एक शल्कर बॉक्स 1700 तक ब्लॉक्स रख सकता है, तो 1 लाख ब्लॉक रखने के लिए मुझे 58 से भी ज्यादा शल्कर बॉक्स चाहिए होंगे, जो कि इसी एरिया पे मैं इजीली रख सकता हूँ। बट भाई इनका मुझे कुछ करना पड़ेगा, इनका सोल्यूशन बहुत ज्यादा सिंपल है, टॉर्चेस। खैर हम लोग जाके टॉर्चेस लेके आते हैं। और ऑल्सो मैंने देखा कि 1 लाख नहीं, मुझे 1,11,000 से भी ज्यादा ब्लॉक्स चाहिए, जो कि शायद से 65 शल्कर बॉक्स के आसपास आएगा। तो अब मुझे घर जाकर कैसे भी करके 60 शल्कर बॉक्सेस का इंतजाम करना पड़ेगा। अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस हैं, खाली नहीं है लेकिन है, तो इन सबको मुझे खाली करना पड़ेगा। तो मुझे 60 से ज्यादा शल्कर बॉक्सेस इजीली मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो से भी बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है मटेरियल्स की। ओके, अभी तुम लोग सोच रहे हो कि मेरा काम क्या होगा, या इन सारे मटेरियल्स को यहाँ से निकालना है और इन चेस्ट के अंदर भरना स्टार्ट कर देना है बेवकूफों की तरह। गाइस मैंने बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस को इकट्ठे कर दिए हैं, ये सारे खाली शल्कर बॉक्सेस हैं। यहाँ पे एक शल्कर बॉक्स है जिसमें मैंने अपने टूल्स रखे हैं, इसको भी ले लेंगे। यहाँ पे 60 से ज्यादा शल्कर बॉक्स शायद से होंगे या फिर शायद से नहीं, खैर जाने दो मेरे को क्या है। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर एक एक करके सारे शल्कर बॉक्सेस को फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे यहाँ पर सारे शल्कर बॉक्सेस फिट हो गए, मैंने सोचा नहीं था। अब एक एक करके इसके अंदर कंक्रीट भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस सारे शल्कर बॉक्स भर चुके हैं कंक्रीट से, अब जल्दी से इनको कलेक्ट करते हैं, नीचे ना गिर जाए भाई। गाइस अपना एंडर चेस्ट और इन्वेंटरी दोनों भर चुके हैं, जगह ही बाकी नहीं है भाई। अब चलते हैं जल्दी से यहाँ से। ओके, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एंडरमैन स्पॉन होंगे एक एक करके, बट कोई बात नहीं, इनके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। ज्यादा टॉर्चेस भी नहीं चाहिए, छोटी सी एरिया है, तो थोड़ी दूर तक टॉर्चेस लगाते हुए चलते हैं ताकि अपने प्लेटफॉर्म में ये डिस्पॉन हो जाए। तो गाइस बहुत सारे टॉर्चेस लगा दिए, अब जाके देखते हैं कि कौन स्पॉन होता है मेरी मर्जी के बिना। अब मैं यहाँ पे एक एक करके सारे शल्कर बॉक्सेस को रख दूंगा। भाई सिर्फ इतने शल्कर बॉक्सेस ही लगे, मैंने सोचा कि ये पूरा एरिया भर जाएगा, पर कोई बात नहीं। अब हम लोग अपने मून को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंक्रीट से। तो गाइस ये रहा अपना चांद, आई मीन बिल्ड नहीं हुआ है, ये उसका स्कीमेटिक्स है, बट इसे देख के इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा है भाई। लकीली ये बिल्ड हाइट लिमिट को टच नहीं करता। वो अपना एंडरमैन फार्म यहाँ पे क्या कर रहा है? वो गाइस अपना एंड आइलैंड इतना पास होता है क्या? मुझे नहीं पता था भाई। अब इसको लेयर बाय लेयर बिल्ड करना स्टार्ट कर ही देता है। तो ये है इसका स्टार्टिंग फर्स्ट लेयर, जहाँ से ये पूरा जर्नी स्टार्ट होगा। ये प्लेटफॉर्म 30 पे है और ये 20 पे। मैंने इसको नीचे थोड़ा इसीलिए बनाया था कि ये बिल्ड हाइट लिमिट को टच ना कर पाए। अब वहां तक मुझे कंक्रीट से पहुंचना पड़ेगा, और कैसे पहुंचूंगा मैं? एक चीज की शायद से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि है फूड की। तो शायद से मैं इसको बिल्ड करने से पहले ही जाके फूड लेके आऊंगा, और फायरवर्क रॉकेट्स भी शायद से चाहिए होंगे। अब गाइस मैं इसी रास्ते से जाने वाला, फिलहाल थोड़े से टूल्स को रिपेयर कर देता हूं। नेक्स्ट मुझे थोड़े फायरवर्क रॉकेट्स की और थोड़े से खाने की इंतजाम करनी है। खाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे फार्मर्स को बना रखा है, वो लोग मुझे खाने के
लिए कुछ दे ही देंगे। एक्चुअली मुझे गोल्डन कैरेट्स चाहिए, जितने हो सके उतने गोल्डन कैरेट्स को बाय करूंगा मैं, यही मेरा बिजनेस प्लान था। गाइस शायद इतने गोल्डन कैरेट्स काफी होंगे, कौन ही इतना खाएगा भाई। थोड़े से फायरवर्क रॉकेट्स के लिए इंतजाम करते हैं। भाई यहाँ पर तो गन पाउडर ही नहीं है, कितना गंदा सा क्रीपर फार्म है भाई, ये गन पाउडर ही प्रोड्यूस नहीं करता। क्या मुझे यहाँ पर भी एक घंटा एएफके करना पड़ेगा? शायद से यस, तो यहाँ पर भी एएफके कर ही देते हैं। मिलते हैं एक घंटे बाद। गाइस फाइनली यहाँ पे एक घंटा नहीं, दो घंटे हो चुके हैं। देखते हैं कि कितने कलेक्ट हुए या कलेक्ट हुए हैं। खैर हम लोग लेवल 3 के बहुत सारे रॉकेट्स बना देते हैं। तो गाइस आई थिंक जितने चाहिए थे उससे ज्यादा ही फायरवर्क रॉकेट्स बन चुके हैं। मेरे पास एक आइडिया है, जाते जाते हम लोग यहाँ से एक शल्कर बॉक्स खाली करके उसमें फायरवर्क रॉकेट्स भर के जाएंगे। बहुत सारे फायरवर्क रॉकेट्स बने, अभी मैं वॉइड में तो बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सारे फायरवर्क रॉकेट्स भी है और खाने के लिए भी चीजें हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं। अब हम लोग आराम से इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये रहा इसका स्कीमेटिक्स ऑन। मेरे इन्वेंटरी में जो भी टूल्स है उन सबको अंदर रख देता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से फायरवर्क रॉकेट्स और खाने के लिए चीजें चाहिए बस, और थोड़े से टॉर्च भी लेके चलते हैं क्योंकि भाई बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन होंगे। अब मैं क्या करूंगा कि वहां तक मैं ब्रिज करूंगा। अब नीचे की तरफ ब्रिज करते हैं। एंड गाइस ये रहा अपने मून का फर्स्ट ब्लॉक। यस, इसी के साथ अपना मून बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब बस मुझे यहाँ पे इसको बिल्ड करना कंटिन्यू करना पड़ेगा बिना वॉइड में गिरे। टाइम लैप्स देख लेना। तो या मिलते हैं बहुत ज्यादा टाइम बाद। रुको जरा। तो गाइस मैंने अपने मून को इतना बिल्ड कर दिया है, ये इस पूरे मून का 10% भी नहीं होगा, बट देख सकते हो कि यहाँ पे एंडरमैन का सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। एंड मेरे पास टॉर्चेस भी खत्म हो गए बस इतने पार्ट बनाने के लिए। तो चलो थोड़ी सी टॉर्चेस लेके आते हैं। यहाँ पे शायद से मेरे पास थोड़े से कोल होने चाहिए फर्नेसेस के अंदर, तो थोड़े से कोल चुरा लेता हूँ। यहाँ से हम लोग थोड़े से स्टिक्स लेंगे। एंड ये बनाई मैंने बहुत सारे टॉर्चेस। भाई साहब इतने सारे टॉर्चेस मैंने आज तक नहीं बनाए, अब बिल्कुल भी अंडरमैन परेशान नहीं करेंगे। मेरा दिमाग कह रहा है कि थोड़ा और बना ही लेते हैं। तो गाइस कोल वगैरह मैं यहाँ से चुरा के लेके चलता हूँ बहुत सारे। गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं, अब मेरे पास टॉर्चेस भी है और टॉर्चेस भी है। अपने बिल्डिंग को कंटिन्यू करता है, बिल्डिंग नहीं अपने चांद को कंटिन्यू करता है। तो गाइस फाइनली अपना चांद बिल्ड हो चुका है। एंड भाई साहब ये कितना ज्यादा बड़ा है ये देखो। एंड देख सकते हो कि एक एंडरमैन फार्म भी है, शायद तो एंडरमैन फार्म की तरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं जिनको हम लोग बाद में क्लियर कर देंगे। एक और चीज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि रियल मून इतना स्मूथ नहीं होता, उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी गड्ढे हैं इनको ही हम लोग गड्ढे समझ लेंगे। खैर अभी जो अपना मून बिल्ड हो चुका है, एक और बात मैं तुम लोगों को मून का अंदर का पार्ट दिखाना चाहता हूँ एक बार। ये देखो अगर हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे तो भाई साहब ये देखो क्या है ये, लाइक सीरियसली एक फुटबॉल स्टेडियम लग रहा है या फिर एक ऑप्टिकल इल्यूशन जैसा कुछ। लाइक क्या ही है भाई, ये बिलीव नहीं हो रहा कि ये अपने हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर है। खैर जो भी है, नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि अपने मून के ऊपर एक भारत का झंडा गाड़ देना चाहिए क्योंकि उसके बाद मुझे साउथ पोल की तरफ एक मून लैंडर को भी बिल्ड करना है जिसका नाम है विक्रम लैंडर कुछ ऐसा, जो कि गोल्डन कलर का है। तो गोल्डन कलर के मून लैंडर के लिए मुझे गोल्ड के ब्लॉक्स चाहिए होंगे जो कि मुझे बनाने पड़ेंगे, मेरे पास नहीं है। ऑल्सो मेरा एक टोटम पॉप हो गया तो मुझे एक टोटम भी चाहिए, तो वापस अपने ओवरवर्ल्ड में जाना पड़ेगा। ये रहा एक टोटम। तो गाइस ये रहा अपना गोल्ड फार्म। गाइस यहाँ पे जाके हम लोग थोड़ी देर एएफके करते हैं ताकि हम लोग को मून लैंडर बनाने के लिए थोड़े से गोल्ड मिल जाए। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने लिटरली एक दिन एएफके किया है यहाँ पर, लाइक शायद से 10 घंटे के आसपास। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार लाइंस भर चुके हैं पूरी तरीके से, लास्ट वाला लाइन भी ऑलमोस्ट फुल होने वाला था और यहाँ पे गोल्ड इंगट्स भी हैं। तो अभी टाइम है इनको कन्वर्ट करने का। इतने सारे नगेट्स की जरूरत तो नहीं थी लेकिन मैं थोड़ा सा आलसी हो चुका था एंड नेटफ्लिक्स देख रहा था। खैर वो सब छोड़ो, अभी हम लोग इन सारे नगेट्स को इंगट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस अभी मेरे पास बहुत सारे गोल्ड बन चुके हैं, ये देखो। ये अपने मून लैंडर को बिल्ड करने के लिए काफी होगा, इसको एक शल्कर बॉक्स के अंदर भरो। हमें और भी कुछ चीजें चाहिए होंगे, मुझे थोड़े से ऑरेंज और ग्रीन
कलर के कॉन्क्रीट चाहिए थे, थोड़े से डीप स्लेट चाहिए थे, शायद से थोड़े ऑब्सीडियन भी लेके जाना अच्छा है। तो गाइस थोड़ी देर तक मैंने थोड़े से मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट किए, लाइक जो भी कलर्स वगैरह दिख रहे थे अपने विक्रम लैंडर से वो सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर दिए। ये काफी है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो भी होगा देखते हैं। वापस हम लोग आ चुके अपने मून पे, सारे शल्कर बॉक्सेस को यही पे ऊपर रख देता हूँ, बाद में वैसे भी मुझे निकालना है थोड़े से शल्कर बॉक्स वगैरह। ओके गाइस अभी मेरा प्लान है कि सबसे पहले मैं बिल्ड करूंगा इंडिया का फ्लैग, जो कि होगा यहाँ पर सेंटर में अपने चांद के सेंटर में, क्योंकि ये अपने चांद का हाईएस्ट पॉइंट होगा और यही से अपना झंडा बिल्ड करना भी अच्छा रहेगा। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लॉक्स ऑफ आयरन, ये इसके लिए थोड़े से कलर कलर के कॉन्क्रीट। ओके तो शायद से ये इसका सेंटर रहेगा, तो यही से हम लोग एक टावर बनाएंगे। और यस ये बिल्ड हाइट लिमिट तक होगा, वैसे भाई बिल्ड हाइट लिमिट बहुत ज्यादा ऊंचा है यहाँ से, बट फिर भी ठीक है। ओके इसका बिल्ड हाइट लिमिट अभी भी 255 ही है, मैंने सोचा कि ओवर वर्ल्ड की तरह ये भी 319 होगा। खैर ये इतना भी ज्यादा छोटा नहीं है, झंडा तो बना ही सकते हैं। और ये फेस करेगा साउथ पोल की तरफ। अब यहाँ पर हम लोग अपने हाथों का मैजिक यूज करके एक झंडा बनाएंगे। गाइस फाइनली अपना भारत का झंडा बन चुका है, एंड भाई साहब क्या लग रहा है ये दूर से दिखता है, भाई साहब बहुत ज्यादा दूर से भी अच्छे से दिख जाता है ये देश का झंडा हमेशा टॉप पे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा यस मून लैंडर, और तुम लोगों को बताऊंगा कि वो मून के साउथ पोल की तरफ लैंड हुआ था, शायद से वो रियल लाइफ में नीचे की तरफ होना चाहिए क्योंकि साइड से देखने पर साउथ नीचे की तरफ होता है, बट हम लोग मून लैंडर को नीचे तो बिल्ड नहीं कर सकते, तो या हम लोग यहाँ पर बिल्ड करेंगे। ये इसका साउथ है, देख सकते हो फेसिंग साउथ। इसको बिल्ड करने के लिए थोड़ा स्पेस तो चाहिए वैसे, ओके यहाँ पर ही बिल्ड कर देंगे, ऐसे भी एडजस्ट कर देंगे इसको। सबसे पहले मैं बिल्ड करने वाला हूँ रोवर, मून के ऊपर जो रोवर चलता है वो, जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर, शायद से गलत प्रोनाउंस किया होगा बट कोई नहीं। और वो हम लोग मून लैंडर से पहले इसीलिए बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मून लैंडर का साइज क्या होना चाहिए। तो प्रज्ञान रोवर जो होता है वो मून लैंडर के अंदर से बाहर निकलता है मून को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें एक बड़ा सा सोलर पैनल भी होता है जो कि शायद से इसके बैटरीज को रिचार्ज करता रहता है, मुझे नहीं पता भाई साइंस नहीं आता मुझे। हम लोग थोड़े से मटेरियल्स डिफरेंट रैंडम मटेरियल्स को यूज करेंगे जो कि मिल जाता है हमें, मुझे जो भी मटेरियल्स मतलब मैं उठा के लेके आया उनको यूज तो मुझे करना पड़ेगा अभी। ओके थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स मैंने कलेक्ट कर दिए, अब अपने प्रज्ञान रोवर को बनाते हैं। प्रज्ञान रोवर के टायर्स को हम लोग स्टोन से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ग्रे कलर का है एंड उसके 6 व्हील्स होते हैं, तो ऐसे शायद इसका जो सेंटर का व्हील होता है वो लाइक मूव होता है, मतलब ढलान वगैरह है तो एक टायर ऊपर दूसरा टायर नीचे, शायद से 6x6 बोलते हैं इसे। और इसको कनेक्ट करते हुए ऐसे हम लोग ये डाल देते हैं, और अपना जो रोवर होगा वो गोल्डन कलर का होगा, तो ओके यहाँ पर ऐसे। ओके ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये नीचे ढलान की तरफ उतर रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए अब। वेट एक बार इसको कंप्लीट करके देखते हैं कि अजीब सा लगता है कि अच्छा लगता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ज्यादा प्लेन एरिया नहीं है, ये ढलान है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक कैमरा बिल्ड करना पड़ेगा, एक नहीं एक्चुअली दो। वेट मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं यहाँ पे दो ऐसे लगा देता हूँ ब्लॉक्स और अगर थोड़े से एनविल क्राफ्ट कर देता हूँ तो शायद से थोड़ी बहुत कैमरा की तरह लगेगा, राइट? थोड़ी सी कैमरा की तरह लग रहा है ये, शायद से नहीं लग रहा बट कोई नहीं, लग रहा है भाई। खैर इसके बाद हम लोगों को इसका सोलर पैनल बिल्ड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे इसके साइड में होता है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में मुझे नहीं पता, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इस साइड में होता है, इसके आगे से लेफ्ट साइड में। अब सोलर पैनल को माइनक्राफ्ट में कैसे बिल्ड करूंगा मुझे नहीं पता, तो रैंडमली मैं कुछ भी बना दूंगा अभी। शायद से ऑब्सीडियन यूज करना अच्छा रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा शाइन करता है तो थोड़ा सा सोलर पैनल जैसे लगेगा शायद। ओके ऐसे ये है इसका सोलर पैनल जो कि बहुत ज्यादा मोटा है, इसको कवर करता हुआ ये थोड़ा सा सिल्वर कलर का कुछ है। यस ये बन चुका है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन भाई माइनक्राफ्ट है ये, मैं क्या ही कर सकता हूँ। देखो ये है इसका सोलर पैनल, ये है इसका बॉडी, ये इसकी आंखें जो कि कैमरा है, और ये इसके टायर्स जो कि जैसे मैंने फोटोज में देखा वैसे बिल्ड करने की कोशिश करी। तो इस ढलान में ये कुछ ऐसे ही उतरता है 6x6 से, बीच वाला जो टायर होता है वो थोड़ा सा पिचक जाता है और ढलान की तरफ एडजस्ट कर देता है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये टायर नीचे आया है क्योंकि ये गड्ढा है, और यहाँ पे ये सेंटर वाला टायर ऊपर आया है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा है, लाइक वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अडॉप्ट कर देता है। मैं कितना साइंस सिखा रहा हूँ, वेट एक सेकंड, मेरे पास एक और आइडिया है भाई। इसके बदले शायद से मैं एक और ब्लॉक को यूज कर सकता हूँ जो कि थोड़ा सा पतला भी लगेगा, ये बहुत ज्यादा मोटा है। अगर मैं इन ग्लास के थोड़े से ग्लास पेन्स बनाऊंगा एंड इनको भी निकाल दो, यहाँ पे थोड़े ग्लास पेन्स लगा देते हैं, थोड़े से आयरन बार्स लगा दो। यस गाइस ये लग रहा है थोड़ा सा सोलर पैनल जैसा क्योंकि ये पतला है, काश मैं इन व्हील्स को थोड़ा और राउंड बना पाता बट ये माइनक्राफ्ट टेक है। शायद से मैंने एक गलती कर दिया है, शायद से मैंने इसको साउथ पोल की तरफ बिल्ड ही नहीं किया, ये ईस्ट है शायद, साउथ पोल उस तरफ है जिस तरफ फ्लैग फेस कर रहा है, तो भाई मुझे इन सबको तोड़ के दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। सेम चीज को दोबारा बिल्ड कर देता हूँ। तो
गाइस दोबारा से मैंने मून रोवर को बिल्ड किया बट एक और लोकेशन पे साउथ पोल की तरफ ही। अब शायद से ये थोड़ा और बड़ा बन चुका है। और एक और बात ये है कि माइनक्राफ्ट में इसका जो साइज है वो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा बड़ा है। रियल लाइफ में एक्चुअली ये दो ब्लॉक जितना भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा छोटा सा ही है, लेकिन माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा डिटेल्स डालने के लिए इसको मैंने बड़ा बना दिया। अब टाइम आ चुका है फाइनली मून लैंडर को बिल्ड करने का, जो कि भाई थोड़ा सा बड़ा तो है, यहाँ पे फ्लैग शायद से प्रॉब्लम बना सकता है। शायद से मैं इसको यहाँ पर थोड़ी सी साइड में बिल्ड करूंगा क्योंकि फ्लैग शायद से प्रॉब्लम बना सकता है, तो यहाँ पर बिल्ड करूंगा इसको। ये मेनली बना है गोल्ड के ब्लॉक से, लेकिन इसके नीचे के साइड में थोड़े से ब्लैक कलर के चीजें भी है। इसका जो फुट है हम लोग इससे बिल्ड करेंगे, इस वाले ब्लॉक से। आई थिंक इतना बड़ा ठीक है, उसके अंदर से मून रोवर भी तो बाहर निकलना है, ये कुछ है। इसके बाद हम लोग इसके पैर बनाने स्टार्ट कर देंगे जो कि बनेंगे गोल्ड के ब्लॉक से। तो आई थिंक दो ब्लॉक्स और अंदर जाके दो और ब्लॉक्स, ये सेम चीज इस साइड में भी बनाते हैं, उतना ही काफी है। तो गाइस इसके पैर भी बन चुके हैं, और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इसमें से हर एक पैर डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, क्योंकि इसका ग्राउंड लेवल डिफरेंट है, इसका ग्राउंड लेवल डिफरेंट है, इसका डिफरेंट और इसका भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके पैरों से इनको लेवल कर देंगे ताकि भाई बाद में अजीब सा ना लगे। नेक्स्ट गाइस यहां पर एक ब्लैक कलर का लेयर आएगा जो कि हम लोग डीप स्लेट से करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि ये स्क्वायर होगा बट ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है। अब यहाँ पर आएगा मेन बक्सा, इसका जो बेस है ये व्हाइट कलर की कुछ चीज से बना है जिसको हम लोग आयरन लगा देंगे। और अभी ऊपर जाते जाते यहाँ पे साइड में दो सोलर पैनल्स आएंगे बड़े बड़े से, लेकिन उससे पहले हम लोग अंदर के पार्ट को बिल्ड कर देते हैं जो कि गोल्ड का होगा। तो अभी जो मेरे पास बहुत सारे गोल्ड ब्लॉक्स है, तो अपने अमीरी दिखाते हुए हम लोग बहुत सारे गोल्ड लगा देते हैं, शायद से इतना ही काफी है। अब इसका एक छत बनाएंगे, तो छत शायद से ओके ऐसे, उसके बाद सेंटर में एक गोल्ड ब्लॉक बस, और यहाँ पर पता नहीं क्या एक एंटीना जैसा है। नहीं, इसको थोड़ा सा केज करेंगे और यहाँ पे शायद से एक एंटीना आएगा जो कि हम लोग इससे बनाएंगे। अब जाकर ये कुछ तो लग रहा है भाई, रुको इसमें एक मेन चीज लगाना तो भूल ही गया, जो कि है इसके साइड में सोलर पैनल। तो पहले की तरह हम लोग सोलर पैनल को बिल्ड करेंगे ग्लास से, ब्लैक स्टेन्ड ग्लास से। इसके लेफ्ट साइड का जो सोलर पैनल होगा वो राइट साइड से थोड़ा लंबा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा और ग्लास लगाना पड़ेगा। आगे से ही नहीं, इसके पीछे के साइड से भी ये थोड़ा सा लंबा है, ऐसे थोड़ा बहुत सोलर पैनल तो लग ही रहा है, अगर इसका बाउंड्री बना देता तो अच्छा रहता। इसके बाउंड्रीज को बनाने के लिए हम लोग आयरन के बार्स को यूज करेंगे। यस भाई, ये बना कुछ सोलर पैनल। इसके राइट साइड की तरफ कुछ चीज है जो कि मुझे क्या है समझ नहीं आ रहा। इसके राइट साइड की तरफ भी थोड़े से बॉर्डर्स लगा ही देते हैं, यहाँ पर कुछ गोल्ड कलर का है तो ये यहाँ पे ब्लॉक्स ही लगा देता हूँ। और इसके राइट साइड की तरफ कुछ और भी है जो कि क्या है मुझे नहीं पता, तो ये भी लगा ही देते हैं, कुछ तो बना दिया। अब थोड़ा और डिटेल्स की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सेंटर में एक सर्कल जैसा कुछ है नीचे की तरफ। सर्कल तो माइनक्राफ्ट में बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ओके ये रहा एक सर्कल माइनक्राफ्ट के हिसाब से। और साइड में पतला सा कुछ है ब्लैक कलर का, उसके लिए हम लोग ऑब्सीडियन लगा देंगे। अब इसके बस दो साइड्स मिस हो चुके हैं, पीछे की तरफ और आगे की तरफ। पीछे की तरफ भी यहाँ पे थोड़े से सोलर पैनल्स हैं, तो दोबारा से सोलर पैनल्स बनाने में लग जाओ। इसका शेप जरूर से अजीब है, तो या कुछ भी बना ही देंगे। इस तरफ एक गोल्डन कलर का कुछ शार्प बाहर निकलता है जो कि क्या है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक ऐसे, यस ये बना पीछे के साइड। ओके गाइस, अभी इसके आगे की तरफ का जो है उसको बिल्ड कर देते हैं। भाई अभी मैंने देखा कि इसका जो अंदर का पार्ट है वो थोड़ा सा खोखला है, जिसके अंदर से मून रोवर बाहर निकला है, एंड ऊपर से नीचे तक एक्चुअली एक रैंप है जिसके हेल्प से ये नीचे निकला है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये बना इसका रैंप जिसके हेल्प से अपना मून रोवर नीचे निकला है, एंड अंदर से ये खोखला होगा क्योंकि वहीं से तो वो निकला है। तो यहाँ पे अपना मून रोवर था जो कि ऐसे करके निकला और टर्न लेकर इस तरफ चला गया साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए। ये होगी हमारी स्टोरी। अभी मैंने देखा कि इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा आयरन यहाँ पे चलता है इस तरफ को, लाइक अंदर से सपोर्ट वाले पैर भी हैं। क्या गाइस इसके सपोर्ट भी इसके पैरों की तरह ही डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। खैर जो भी है, तो गाइस ये है अपना मून लैंडर जो कि ठीक से बनाया कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरे पावर में जितना मैं इसको परफेक्टली बना पाया उतना मैंने बनाने की कोशिश करी, अगर ठीक नहीं बना तो माफ कर देना क्योंकि ये एक ब्लॉक का गेम है, तो या मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। एंड ये है अपना मून लैंडर और ये है अपना भारत का झंडा। अब शायद से यहां से जाने का टाइम आ चुका है। जाने से पहले मैं कुछ चीजें करना चाहता हूं। पहले तो अपने मून के ऊपर जितने भी शल्कर बॉक्स वगैरह है उन सबको निकाल देते हैं, फोकट में पड़े हुए हैं यहां पर। अभी हम लोग चांद से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं एंड जो भी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स वगैरह थे उनको तोड़ दिया। लास्ट मुझे इसमें बस एक ही चीज करनी है जो कि है इसमें थोड़े से टॉर्चेस लगा देना। तो यहाँ पर जहाँ पर भी पॉसिबल हो सके वहाँ पर टॉर्चेस लगा देंगे। ये सिर्फ ऊपर के साइड में ही होगा क्योंकि अपना जो सन है वो ऊपर की तरफ है, तो ब्राइटनेस भी ऊपर की तरफ ही होगा। नहीं पता एक्चुअली क्या लॉजिक है, बट खैर ऊपर इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हो सकता हूँ, नीचे की तरफ खड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टॉर्चेस लगा देंगे थोड़े बहुत।
तो गाइस जितने हो सके उतने मैंने टॉर्चेस लगा दिया है एंड देख सकते हो कि ऊपर का पार्ट बहुत ज्यादा अच्छे से ग्लो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से सूरज चमक दे रही हो। नहीं ऐसा नहीं लग रहा बट खैर जो भी है। खैर अपना चांद बिल्ड हो चुका है, चांद के ऊपर अपना चंद्रयान 3 भी पहुंच चुका है, अब अच्छे से ये फोटोस लेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने एक चांद बिल्ड किया जो कि बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।